नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूँ ब्रजेश तिवारी। आज बात होगी एक छोटे से उपचुनाव को लेकर। चुनाव कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हम कहते हैं छोटा चुनाव होता है। ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ या ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, BDC का चुनाव हुआ, लेकिन ये जो हार है इसकी चर्चा प्रदेश स्तर पर हो रही है, क्योंकि ये हार सपा को मिली है, सपा के गढ़ में मिली है, इटावा मिली है, चक्कर नगर ब्लॉक प्रमुख उपचुनाव में मिली है। दरअसल इस ब्लॉक प्रमुख की बात करें, इस ब्लॉक प्रमुख में जो हमेशा ब्लॉक के जो प्रमुख होते थे लगातार पिछली दो बार से सपा की झोली में जाता था, लेकिन इस बार ये जो सीट है ये BJP की झोली में गई है। अभी हाल में दो उपचुनाव और संपन्न हुए। 2022 में लोकसभा का दो उपचुनाव जिसमें आजमगढ़ और रामपुर था, जहां एक जगह से अखिलेश यादव ने सीट छोड़ी थी, दूसरे जगह से आजम खान ने सीट छोड़ी थी, वो भी सपा हार गई। उसके बाद इस ब्लॉक प्रमुख उपचुनाव में हार का भी चर्चा जोरों शोरों पे है। देखिए, समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख पहले थे और वहाँ के जो BDC मेंबर्स थे उन्होंने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। कई मामले उनके भ्रष्टाचार के थे जिनके कारण उनके ऊपर FIR हुई थी, और भ्रष्टाचार को लेकर के जो BDC मेंबर थे उनमें भी काफ़ी जो है आक्रोश था, और इसलिए वो अविश्वास प्रस्ताव में उन्होंने इस्तीफा दिया था, और इस्तीफा के कारण चुनाव हुआ और वो चुनाव का आज मतदान था जिसमें भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी राकेश यादव वो चक्कर नगर ब्लॉक प्रमुख से निर्वाचित हुए हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को और जिलाध्यक्ष जी हमारे संजीव राजपूत जी के नेतृत्व में जो है ये चुनाव हुआ उनको सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। ये इटावा का एक क्षेत्र है, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद कहते हैं हम, ये जो सपा का मेनगढ़ है। अभी हाल में ही मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है, जिसके बाद अगर ब्लॉक प्रमुख में उसी गढ़ में एक हार सपा के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।